स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। और हाँ दोस्तों, अभी हम हैं गोरखपुर के गोरखपुर फोर लेन बाईपास पे हैं, जो कि कालेसर जीरो पॉइंट से शुरू होकर के जगदीशपुर तक का के सड़क को गोरखपुर बाईपास ही कहा जाता है। और अभी हम गोरखपुर शहर के आउटर साइड एरिया से गुजर रहे हैं। और ये दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी बड़ी बड़ी हाई राइज अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स आपको दिखाई पड़ रही है। और दोस्तों ऐसे अगर आप इस एरिया से गुजरते हो तो आपको दोस्तों यो दोस्तों लखनऊ के गोमती नगर या फिर नोएडा साइड एरिया का फील आएगा। और दोस्तों और भी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट अभी भी इस क्षेत्र में लॉन्च होने वाले हैं, जिसमें बसेरा हाइट्स, राप्ती ग्रीस और भी ऐसे केएलएम टावर जैसे काफ़ी बड़ी बड़ी अपार्टमेंट परियोजनाएं और भी लॉन्च होने वाली हैं या फिर लॉन्च हो चुकी हैं। और हाँ दोस्तों, अभी हम जिस सड़क पर चल रहे हैं दोस्तों, ये सड़क भी जो है गोरखपुर रिंग रोड का हिस्सा है। और वो कैसे तो मैं आपको बता दूं, गोरखपुर महानगर के चारों तरफ जो है यूपी गवर्नमेंट जो है बड़े बड़े फोर लेन बाईपास बना रही है। और जैसे ही ये सारे बाईपास कंप्लीट हो जाएंगे, गोरखपुर शहर के चारों तरफ जो है 81 किलोमीटर लंबा रिंग रोड तैयार हो जाएगा। यानी कि दोस्तों रिंग रोड की अगर बात की जाए तो दोस्तों तो ये जगदीशपुर से शुरू होकर कालेसर जीरो पॉइंट तक ये गोरखपुर बाईपास है। और फिर वहाँ से एक और नया फोर लेन बाईपास जो बनाया गया है, जो कि कालेसर जीरो पॉइंट से शुरू होकर के जंगल कौड़िया तक जाता है। और हाँ दोस्तों, फिर जंगल कौड़िया से भी लेकर के फिर वापस जगदीशपुर तक नया फोर लेन बाईपास के लिए जमीन अधिग्रहण का भी काम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है और बहुत जल्द कंप्लीट भी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 1 से 1.5 साल में गोरखपुर को, गोरखपुर शहर के चारों तरफ 81 किलोमीटर लंबा रिंग रोड तैयार हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बहुत जल्द मैं आपको प्रॉपर रिंग रोड पर वीडियो मैं आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, और फिर मुझे वापस आते टाइम मुझे धूल भरी आंधी का भी सामना करना पड़ा। अभी हम गोरखपुर एम्स के पास से गुजर रहे थे और फिर मुझे धूल भरी आंधी का सामना करना पड़ा। हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। और अभी हम एम्स के सामने यानी कि कूड़ागढ़ से जो रास्ता देवरिया की तरफ जाता है उसी रोड पर चल रहे हैं। और अभी भी ये सड़क अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी भी एक लेयर की पिचिंग और बाकी है। यानी कि दोस्तों जैसे ही एक लेयर का पिचिंग हो जाएगा फिर इसमें भी बीच में वाइट पट्टी डाली जाएगी। और वैसे दोस्तों काफ़ी भयंकर धूल भरी आंधी का सामना करना पड़ा था। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों गोरखपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। अकेले 2600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट गोरखपुर में रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट आए हुए हैं, जिसमें से बहुत जल्द के ग्रुप ऑफ कंपनीज के तरफ से काफ़ी बड़ा यानी कि 600 करोड़ रुपए की लागत से भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। और उसका नक्शा जो है GDA में दाखिल बहुत जल्द होने वाला है। यानी कि दोस्तों गोरखपुर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों फिर मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।